बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइल्स। ठीक है, हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्टाइल्स को किस तरह अप्लाई किया जाता है। ठीक है व्यूवर्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, हम अपनी एक फ़ाइल खोल लेते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये हमारी एक फ़ाइल है। हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट ऑल इसे कर लेते हैं। व्यूवर्स, ये स्टाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के बिलेटिन हैं। ठीक है व्यूवर्स, आप इन्हें देख रहे हैं। अब हम व्यूवर्स इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये फर्स्ट स्टाइल, ये देखें सेकंड। आप देख रहे हैं जैसे मैं इस पर चेंज कर रहा हूँ तो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है वो उस स्टाइल के मुताबिक हो जाता है। देखें, ये नॉर्मल है, ये नो स्पेस, इसमें कोई स्पेस नहीं है। ठीक है व्यूवर्स, हेडिंग वन के हिसाब से है ये व्यूवर्स, हेडिंग टू के हिसाब से है, ये देखें ये टाइटल के हिसाब से है। ठीक है व्यूवर्स, ये देखें, इसे आप सिलेक्ट करें, ये देखें, ये आपका टेक्स्ट इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बने हुए स्टाइल्स हैं हमारे पास, हमने इसे सिलेक्ट करना है और जो आपको इसमें से स्टाइल पसंद आता है उस पर आप क्लिक कर लें। ये देखें व्यूवर्स, ये टेक्स्ट आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसे हम सिलेक्ट करते हैं, ये देखें व्यूवर्स, आपको जिस तरह का अपना टेक्स्ट करना है आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ठीक है व्यूवर्स। अच्छा व्यूवर्स, इसमें से मैं आपको ये बता दूं, जैसे हम इस टेक्स्ट को देखते हैं, देखें इसमें आप स्टाइल देखें व्यूवर्स, ये डी जो है छोटा है, ए टी एन टी देखें बड़ा है, फिर ये एक वर्ड छोटा है, ये कंप्लीट बड़ा है। देख रहे हैं आप इसका स्टाइल, देखें यहाँ पे भी डी छोटा है, ये बड़ा है, इसका फर्स्ट लेटर बड़ा है। ठीक है व्यूवर्स, आप यहाँ पे भी देखें एंड छोटा है, ये बड़े हैं, ये देखें ये स्टाइल है। आप जो है कोई सा भी स्टाइल जो है वो रख सकते हैं इसमें से। ठीक है व्यूवर्स, अच्छा व्यूवर्स इसको सिलेक्ट करें। अच्छा व्यूवर्स, ये जो है स्टाइल्स, अगर आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है व्यूवर्स, इसे हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम कहते हैं कि इसे हमने क्लियर करना है, ये स्टाइल ठीक नहीं है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लिखा है क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है व्यूवर्स, आप यहाँ से भी क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये देखें फॉर्मेट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, ये भी क्लियर फॉर्मेटिंग का ही बटन है, ये देखें व्यूवर्स, इसने भी क्लियर कर दिया। ठीक है व्यूवर्स, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इस बटन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये आपने किया, इसके साथ ही व्यूवर्स हम इस पे जाते हैं चेंज स्टाइल पे, हम इस पे क्लिक करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये भी कुछ है, ये देख रहे हैं आप, देखें व्यूवर्स, ये जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं, ये देखें ये स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है व्यूवर्स, फिर सिलेक्ट करते हैं इसे, हम इस पे आते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये देख रहे हैं आप, ये देखें जैसे माउस हमारा नीचे आता है नए स्टेप पे, वो उसी हिसाब से उसका फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये देखें, फिर हम इसे सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट। व्यूवर्स, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग के मुतल्लिक है। ठीक है व्यूवर्स, और हम सबसे पहले आते हैं इस पे। अब व्यूवर्स इस पे, अब आप ये देखें व्यूवर्स, जिस तरह हम इसको नीचे लेके आते रहते हैं, देखें लाइंस में स्पेस बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं। देखें इसे सिलेक्ट किया, अब देखें लाइंस में कितना ज्यादा स्पेस है, आप देख रहे हैं व्यूवर्स। अब हम अगेन इस पे क्लिक करते हैं, ये आप देखिएगा, ये देखें अब स्पेस कम हो गया, अब मजीद कम हो गया लाइनों में स्पेस। ठीक है व्यूवर्स, ये देखिए और मजीद कम हो गया और सबसे ज्यादा यहाँ पे है। कस्टमाइज पे जाके व्यूवर्स आप जो है यहाँ से स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये देखिए यहाँ से आप स्पेसिंग बढ़ा दें। देख रहे हैं व्यूवर्स, ये स्पेसिंग बढ़ गई है, मजीद जाएं
आप और स्पेसिंग बढ़ा दें। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, लाइंस में स्पेस बढ़ गया है। और अगर आप इसे सिलेक्ट कर लें तो वो ये वाली स्पेसिंग दे देगा। ठीक है व्यूवर्स, ये स्टाइल्स हैं, इन स्टाइल्स की मदद से आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, और उस स्टाइल को ये देखें, आपने इस स्टाइल को सिलेक्ट किया और जस्ट इस पर क्लिक कर देना, और ये जो है इसमें ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हुई होती है, जस्ट आपको टेक्स्ट टाइप करना होता है, फॉर्मेटिंग की आपको जरूरत नहीं रहती। ठीक है व्यूवर्स, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।